गौरी, गौरी कहाँ है मॉम? कहाँ है मतलब? गौरी तो चली गई। कहाँ चली गई? तुमने खुद उसे घर से बाहर निकाला है। मैंने गौरी को घर से निकाला? हाँ तुमने निकाला, और तुम्हारी जिंदगी का सबसे सही फैसला लिया है तुमने। मैं होश में आ चुका हूँ गौरी, और आज मैं तुम्हें खुद से खुद अलग करूंगा। तो शादी करना चाहता था ना इससे? आज मैं इसे घर से बाहर निकालूंगा, उसके बाद ले जाए इसे। हम क्या बोल रही हैं आप? प्यार करता हूं मैं गौरी से, मैं खुद उसे घर से बाहर कैसे निकालूंगा? प्यार है मॉम वो मेरा। प्यार नहीं, दीवानगी थी। उस गरीब बुनकर के लिए तुम्हारी दीवानगी देखकर हम घबरा गए थे। वो तो भगवान ने तुम्हें बुद्धि दी और तुमने सही फैसला लिया उस लड़की को घर से बाहर निकाल कर। अब चैन की सांस लो, सो जाओ, आराम करो। हम चाहते जिस गौरी को गर्व जी अपने दिल में रखते, इस गौरी को गर्व जी कभी बेघर नहीं होने देंगे। ये सब रिश्का नहीं। मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? मैं गौरी को घर से बाहर कैसे निकाल सकता हूँ? मॉम कुछ भी बोल रही है। के बिना एक एक पल काटना मेरे लिए इतना मुश्किल है, उसे मैं घर से खुद बाहर कैसे निकाल सकता हूं? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? मैं इसके पीछे ऋषिका का कोई हाथ तो नहीं? मुझे पता करना होगा। उस गौरी और पंडित ने अपनी मंत्र विद्या से मुझे कमजोर कर दिया है। मुझे कुछ करना पड़ेगा। गौरी को घर से बाहर निकालने में जरूर ऋषिका की साजिश है। मैं तो ऐसा सपने में भी नहीं कर सकता। ऋषिका, मुझे आज तुमसे पूरी सच्चाई जाननी है। दरवाजा खोलो। ऋषिका, दरवाजा नहीं खोलोगी तो मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। अपनी सासों के बिना रह सकते, लेकिन गर्व जी के बिना नहीं रह सकते। आप कुछ भी कीजिए, कैसे भी करके हमें इस घर के अंदर ले आइए वापस। छोटी माई, इतना तो हम गर्व जी को जानते हैं कि वो अपने होशो आवाज में हमें कभी घर से नहीं निकाल सकते। हमारा विश्वास कीजिए छोटी माई, वो डायन है। वो कुछ नहीं, वो बस हमें और गर्व जी को अलग करना चाहती है, और कुछ भी नहीं। दरवाजे पक्का कर रहा है। ना मोहन, तोरा बुरा सपना होगा। कोई डायन ना है। डायन कमरे में ठंड तो तभी होती है ना जब उस कमरे में कोई बुरा साया होता है। वो हमसे बस हमारे घर जी को छीनना चाहती है, उन्हें दूर ले जाना चाहती है। अब बचा लीजिए ना, अपनी बच्चों को बचा लीजिए, हमारे घर जी को बचा लीजिए। वो डायन बहुत खतरनाक है। अगर हमने सही वक्त पर कुछ नहीं किया
बहुत अनर्थ हो जाएगा। अगर ऐसा है तो ठीक है, हम तुम्हें एक मौका और देते हैं गौरी बहुरिया। ध्यान रहे, अगर ये डायन वाली बात गलत साबित हुई तो तुम्हें इस घर को और घर की जिंदगी से दोनों को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जाना होगा। हमें मंजूर है छोटी माई, आप चलिए हमारे साथ। छोटी माई बिंदा क्या है, डरा दिया हमें। पहले हाथ लाइए इधर। बिंदा क्या हो रहा है ये? वो हम राखी बांध रहे थे। आप चिंता मत कीजिए, हम आपसे कोई नेक नहीं मांगेंगे। बस एक वादा करिएगा हमसे। बोलो ना दीदी, आप हमको वादा दोगे ना? क्या वादा, कैसा वादा? घर में ना हमारी रक्षा करने का वादा। बोलो ना दीदी, दोगे ना? बिंदा तुम पागल हो गई हो, इस घर में भूत नहीं है। अरे दीदी यही तो आपकी बहुत बड़ी गलत फहमी है कि भूत नहीं है। अरे वो डायन है, डायन जो हम सबको ना खत्म कर देगी। हम सबको खत्म कर देगी दीदी, यहाँ तक कि आपको भी खत्म कर देगी दीदी। हम क्या करें? ऋषिका ये सब क्या है? घर मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है। गर, एक चीज पूछूं तुमसे, ये गौरी को मुझसे क्या परेशानी है? वो मेरे साथ गलत क्यों कर रही है? ऋषिका, गौरी तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं कर रही है। मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ गौरी को, वो कभी किसी का बुरा चाह नहीं सकती। वो सिर्फ मेरी वजह से परेशान है क्योंकि 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 तुम मेरा पहला प्यार। That's it. छोटी माई, इस वक्त सिर्फ एक ही अच्छी खबर है और वो ये है कि जो दिए हमने ऋषिका के कमरे में जलाए थे उसकी रोशनी से ऋषिका की शक्तियां कमजोर पड़ चुकी होंगी और यही सही समय है उसकी सच्चाई बाहर लाने के लिए। पर ये सब होगा कैसे और ऋषिका का सच सामने कैसे लाएगी? इस गंगा जल से कैसे? छोटी माई, भोलेनाथ की जटाओं से निकला हुआ पवित्र गंगा जल है, बुरी शक्तियां इसका छुअन तक नहीं कर सकती। अब ये गंगा जल ही उस डायन ऋषिका की सच्चाई सामने लाएगा। गौरी, तुमने मेरी सुंदरता छीनी है ना, मैं तुमसे तुम्हारी जिंदगी छीन लूंगी। गर्व जी,
गार्जी, चुप नहीं। गार्जी को क्या हुआ है? क्या हुआ गार्जी? आंखें खोली अपनी। ए बचवा, अरे आंखें काहे नहीं खोल रहा है? ये गर्व को कहा हो गया है? गार्जी आंखें खोलिए, क्या हुआ है आपको? छोटी माई, हमें पूरा भरोसा है, ये रिश्का ने जरूर कुछ किया है। तुम गर्व को संभालो, हम अंदर जाकर देखते हैं। गंगा चलते हैं। समझ चुकी मैं। गर्व जी आंखें खोलिए। मतलब गौरी बहुरिया जो कह रही थी वो एकदम सही है। तुम इंसान के रूप में डायन हो। अब तुम्हारा अंत ना हमरे ही हाथों से होगा। हमारे मोहन की आवाज यहाँ कहाँ आ रही है? क्या किया तुमने हमारे मोहन के साथ? बोलो, क्या किया तुमने उसके साथ? मोहन, मेरा बचाओ! मोहन के साथ ऐसा क्यों किया तुमने? छोड़ दो उसे। काहे उसके साथ ऐसा कर रही हो? काहे कर रही हो? तुझे क्या लगता है बुढ़िया, मैं तेरे राज नहीं जानती? मैं तेरे बारे में सब कुछ जानती हूँ कि तू इस घर में क्यों आई है। और ये भी जानती हूँ कि तू इस घर में किसको मारना चाहती है। इसलिए अगर तू मुझसे उलझी तो तेरे राज शकुंतला के कानों में होंगे और तू अपने बच्चे के साथ होगी घर से बाहर उस सड़क पर। अगर तू अपनी जिंदगी और
अपने बेटे की सलामती चाहती है, मेरे राज को राज रहने देना, वरना तेरा राज खोल दूंगे। लेकिन तू यहाँ आई काहे? घर के लिए। घर के लिए? गर्ल जी, आप सही तो है ना? क्या हुआ था? पता नहीं, अचानक से मेरा सर बहुत दुखने लगा और मैं गिर गया। यहाँ कैसे पहुंचा? तुम गर्ज, हम ऋषिका की सच्चाई सबके सामने लाने के लिए आए हैं। कैसा सच? आप चलिए हमारे साथ, हम बताते हैं। आराम से गर्ज। सर बहुत दुख रहा है। आइए। छोटी माई, छोटी माई, आपने ऋषिका पर गंगा जल छिड़का, क्यों आई हो यहां वापस? आखिर तुम्हारी परेशानी क्या है? कोई बात नहीं, ऋषिका का असली रूप हम सबके सामने लाएंगे। गर्भ जी को पता चले कि आखिर तुम हो कौन। हम छिड़केंगे गंगा जल। लाइए। गौरी, ये क्या अंधविश्वास है? गर्ज जी, अंधविश्वास नहीं है, इस गंगा जल में हमारी आस्था है। और आज इस ऋषिका का सच आप सबके सामने आके ही रहेगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यहाँ अपने प्यार को पाने के लिए आई है और तुम हमको ही के खिलाफ भड़का रही हो। अरे देखो तो कैसे अच्छे इंसान को तुम डायन साबित करना चाहती हो। छोटी माई, आप ये क्या कह रही है? अरे हम जो कह रहे हैं ना वो सच कह रहे हैं। और आगे से अगर तुमने ऋषिका पर झूठा इल्जाम लगाने की जरा भी कोशिश की ना, तो हमसे बुरा कोई ना होगा, हमरा विकराल रूप देखोगी तुम। पर छोटी माई को क्या हो गया एकदम से? छोटी माई तुम्हारे झांसे से निकल चुकी है। मेरी सच्चाई सबको बताओगी? मुझे हराने का सोचना भी मत। तू देख,
अब कैसे तेरी आंखों के सामने गर्भ को मैं अपने साथ यहां से लेकर जाती हूं। और तू बस यहां खड़े खड़े तमाशा देख। ये है डिवोर्स के पेपर्स, जल्द से जल्द गर्व से इन पेपर्स पर साइन करवाओ। वो लड़की हमसे बर्दाश्त नहीं होती है, इस घर में बिल्कुल काय की तरह है, कितना भी साफ करो फिर से उगाती है। वो लड़की इस घर में रहने के लिए हर जतन कर रही है, जादू टोना करने लगी है वो। बस अब बहुत हुआ, हमें वो लड़की इस घर से बाहर जल्द से जल्द चाहिए। जिस काम के लिए तुम्हें बुलाया था वो काम करो, वरना तुम्हें यहाँ पर से बाहर निकलने का इंतजाम हम कर देंगे। आप चिंता मत कीजिए आंटी, वो गौरी भी घर से बाहर जाएगी और बहुत जल्द गर्भ भी मेरा हो जाएगा। ये फिर से सीटी का है बजने लगी, कैसे समझाएं इन्हें? अरे उसे तकलीफ हो रही है। नयन का असली रूप सामने आ रहा है, आज हम इसका पर्दाफाश करके ही रहेंगे। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.